वेलकम क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेलुलर पोटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सेलुलर पोटेंसी जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। सिंपल सी बात है कि पोटेंसी का मतलब होता है सेल के डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी को हम पोटेंसी कहते हैं। पर्टिकुलर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है या स्टेम सेल है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है तो वह कितने टाइप की सेल्स बना सकती है उसको उसकी पोटेंसी कहेंगे। सेलुलर पोटेंसी के अंदर तीन टाइप की पोटेंसी आती हैं। फर्स्ट आती हैं टोटिपोटेंसी, सेकेंड आती हैं प्लूरिपोटेंसी। थर्ड आती हैं मल्टीपोटेंसी। यहां टोटिपोटेंसी का मतलब होता है पर्टिकुलर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जिसको हम स्टेम सेल कह देते हैं। इस सेल से हम ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकते हैं तो उस सेल को हम टोटिपोटेंट सेल कहेंगे। मतलब कि एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उस सेल की जो कैपेसिटी होगी उसको हम टोटिपोटेंसी कहेंगे। यदि इस सेल से हम ऑलमोस्ट 90% टाइप्स ऑफ सेल बना सकते हैं तो उसको हम उसकी प्लूरीपोटेंसी कहेंगे। और लास्ट आती है मल्टीपोटेंसी। मल्टीपोटेंसी का मतलब होता है कि उसी अनडिफरेंशिएटेड सेल है, उस सेल से फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकते हैं या कुछ ही प्रकार की, लगभग 3 से 5 प्रकार की सेल्स बना सकेंगे तो उस सेल की पोटेंसी को हम मल्टीपोटेंसी कहेंगे। यहाँ टोटिपोटेंसी के बारे में सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं। द कैपेसिटी ऑफ सेल, मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल है, प्रोड्यूस के अलावा हम डिफरेंशिएट वर्ड भी लिख सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सेल। यदि किसी एनिमल के अंदर जितनी भी टाइप्स की सेल्स हैं उन सेल्स का फॉर्मेशन एक ही सेल से हो जाए तो वह सेल टोटिपोटेंट स्टेम सेल कहलाएगी, या उस सेल की जो पोटेंसी होगी हम उसको टोटिपोटेंसी कहेंगे। यहाँ इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जाइगोट। हम सब जानते हैं कि जाइगोट एक सेल है, उस सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म की जितने भी टाइप की सेल्स होती हैं वह उसी से बनती हैं, तो जाइगोट एक टोटिपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम प्लांट में देखें तो प्लांट के अंदर, प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वह सेल भी टोटिपोटेंसी शो करती है। हम चाहे एपिकल मेरिस्टेम है, चाहे लेटरल मेरिस्टेम है, चाहे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इन तीनों मेरिस्टेम में से किसी भी सेल को हम रिमूव करते हैं उससे उस सेल के अंदर
टोटिपोटेंसी मिलती है। यहाँ पर जो टोटिपोटेंसी है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हेबरलैंड ने। हेबरलैंड ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था कि सेल के अंदर टोटिपोटेंसी होती है या नहीं होती है। प्रूफ किया था स्टीवर्ड ने, स्टीवर्ड एटाल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके बताया था कि सेल के अंदर टोटिपोटेंसी होती है। यहां प्लूरिपोटेंसी के अंदर द कैपेसिटी ऑफ स्टेम सेल टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लूरिपोटेंसी। कि ऑलमोस्ट सेल बना देगी लेकिन कुछ ही सेल इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से नहीं बनेगी। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। कौन सी सेल्स के अंदर प्लूरिपोटेंसी मिलती है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती कौन सी है? ब्लास्टुला स्टेज के अंदर, ये ब्लास्टुला बना रहा हूं मैं, ये ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टोसिल कैविटी है, बाहर की ओर ट्रोपोब्लास्ट है और इनर सेल मास है, है ना। एम्ब्रियोनिक नॉब भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं इसको। तो ये जो वेजिटल एनिमल पोल की ओर जो इनर सेल मास की जो सेल्स है, ये इन सेल को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। ये ब्लास्टुला कौन सी सेल के अंदर, इन सेल को अगर रिमूव करके हम कल्चर कराएं तो इन सेल से उस ऑर्गेनिज्म की 99% या 90% सेल्स बन सकती हैं, कुछ सेल्स नहीं बनेगी इससे। लास्ट आता है मल्टीपोटेंसी, द कैपेसिटी ऑफ स्टेम सेल टू प्रोड्यूस फ्यू टाइप्स ऑफ सेल। सेल के कुछ ही प्रकार बनते हैं इस सेल से। इसका एग्जाम्पल आता है अडल्ट स्टेम सेल। अडल्ट स्टेम सेल कौन सी होती हैं? बोन के अंदर, बोन के अंदर जो बोन मेरो होता है, उस बोन मेरो के अंदर जो सेल्स मिलती हैं जिनसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब बनती हैं, वो प्लेटलेट्स बनते हैं, उनको कहते हैं मीजोडर्मल हीमोपोइटिक अडल्ट स्टेम सेल्स, या कह सकते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। उन सेल्स को हम अडल्ट स्टेम सेल कहते हैं, यह उसका एग्जांपल है। इसी प्रकार से जो न्यूरल स्टेम सेल्स हैं वो भी इसी का एग्जांपल है, न्यूरल स्टेम सेल। न्यूरल स्टेम सेल से दो टाइप की सेल्स बनती हैं, एक न्यूरॉन्स बनते हैं और एक न्यूरोग्लिया बनती है। तो इन सेल से कुछ ही टाइप की सेल्स बनती हैं, जैसे मीजोडर्मल हीमोपोइटिक अडल्ट स्टेम सेल से आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती है, और न्यूरल स्टेम सेल से न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया बनती है। तो इन सेल के अंदर अगर इनको सेपरेटली हम कल्चर कराए तो फ्यू टाइप्स की सेल्स बनती हैं जिससे हम मल्टीपोटेंसी कहते हैं। यहां जो स्टीवर्ड एटाल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके ये शो किया था कि सेल्स के अंदर टोटिपोटेंसी मिलती हैं, तो इसके एक्सपेरिमेंट को मैं आपको बता रहा हूँ। उसने प्लांट के अंदर एक्सपेरिमेंट करके बताया था। सबसे पहले स्टीवर्ड ने क्या किया था, एक कैरेट को लिया था, है ना, गाजर को लिया था, इसका सेक्शन काटा TS, एक सेक्शन लिया और सेक्शन के अंदर से यहाँ इसने बाहर की ओर जाइलम होता है और अंदर से ये फ्लोएम है,
इसकी प्लोएम की सेल को रिमूव कर लिया, एक प्लोएम की सेल को निकाल लिया। अब इसने देखा कि सेल के अंदर टोटिपोटेंसी होती ही नहीं होती है, इसको शौक किया था। इसने इस सेल को सबसे पहले कोकोनट वाटर के अंदर रखा था, इसका कल्चर करवाया था। उसके बाद में इस सेल ने डिफरेंशिएशन किया और उसके बाद में इस सेल्स ने कुछ सेल्स बना ली और इस स्ट्रक्चर को इन्होंने नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, एगार एगार में। एगार एगार में ट्रांसफर करने के बाद में इससे बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन गया जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस को एगार एगार से रिमूव किया गया और उस कैलस ने ग्रोथ की उसी कल्चर मीडियम के अंदर, तो इस कैलस से एक प्लांटलेट बन जाता है, छोटा सा प्लांटलेट बनता है। और उस प्लांटलेट को उन्होंने एनवायरनमेंट के अंदर लगा दिया तो वहां से नया कैरेट का प्लांट बन गया। तो इस यहां पर सिंपल सी बात है कि आपके पास एक फ्लोएम की सेल्स है, फ्लोएम की सेल से पूरा पूरा कैरेट का प्लांट बनाया। तो यही मतलब होता है टोटिपोटेंसी से, कि इस प्लांट के अंदर जितने भी टाइप्स की सेल्स हैं वो एक सिर्फ एक सेल से बन जाती हैं, तो उस सेल को हम टोटिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं और उस कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, स्टीवर्ड एटाल ने गाजर के अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके बताया था कि सेल्स जो फ्लोएम की सेल्स है प्लांट में, उसके अंदर टोटिपोटेंसी मिलती है। थैंक यू।